जब जॉम्बी मूवीज की बात आती है तो हमारे दिमाग के अंदर वर्ल्ड वॉर जी, आर्मी ऑफ डेड या फिर रेसिडेंट इविल जैसी मूवी हमारे दिमाग के अंदर आती है। लेकिन नहीं भाई, इससे अच्छे भी जॉम्बी मूवीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आज हम ऐसे ही अंडररेटेड जॉम्बी मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपके अंदर की आत्मा को शांति मिलेगी और इन सारी मूवीज के अंदर भर के ब्रूटल सीन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। पूरे ताइवान के अंदर मिस्ट्रियस वायरस फैल चुका है, जो लोगों के दिमाग के अंदर घुसकर उसको पागल बना रहा है। सारे के सारे लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो लोग बच गए हैं वो इनसे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मूवी अभी तक की सबसे बेस्ट ब्रूटल ज़ॉम्बी मूवीज में से एक है। 2021 में आई हुई मूवी द सैडनेस, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये पूरी मूवी ब्रूटल और वायलेंस से भरी पड़ी है। तो एक्शन और गोल लवर्स के लिए ये मूवी तो एक ड्रीम के समान है। और भाई, इस मूवी के अंदर मेट्रो वाला एक सीन आता है, उसको तो कतई मिस मत करना, ब्लड बाथ गारंटेड। तो अगर आप इस वाली मूवी को देखना कंसीडर करने वाले हो, तो इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज है, और ये सीरीज मेरी वन ऑफ दी फेवरेट सीरीज की जिसके अंदर शामिल है। ऊपर से ये सीरीज कोरियन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, मतलब 100% गूज़बम्प्स। कोरिया के एक स्कूल के अंदर ज़ॉम्बी वायरस का आउटब्रेक हो जाता है, सारे स्टूडेंट्स इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, और फिर ये सीरीज बन जाती है स्कूल ड्रामा और सर्वाइवल का एक परफेक्ट ब्लेंडर। 2022 में आई हुई इस सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। स्कूल के अंदर ज़ॉम्बी आउटब्रेक एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है, और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफी सॉलिड है, तो इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे आप हर एक कैरेक्टर के साथ। कुछ सीन्स या फिर कुछ एपिसोड्स के अंदर आपको सीरीज थोड़ी खिंची हुई सी लग सकती है, जो आपको इसकी लेंथ फील करवाती है, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप इस सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो, तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। क्या होता अगर एक ज़ॉम्बी को इंसान से प्यार हो जाए? एक ज़ॉम्बी जिसका नाम आर है, उसको एक इंसानी लड़की से प्यार हो जाता है, और प्यार करने के बाद वो ज़ॉम्बी कैसा बिहेव करता है और कैसे वो वापस ज़ॉम्बी से ह्यूमन बनता है, यही इस मूवी की कहानी है। बहुत ही वियर्ड टॉपिक के साथ आई हुई 2013 की मूवी वार्म बॉडीज आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। ज़ॉम्बी और ह्यूमन रोमांस का टॉपिक वाकई में वियर्ड है, लेकिन ये मूवी इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करने में कामयाब होती है। अगर आप फुल और एक्शन चाहते हो मूवी के अंदर, ब्लड सेट चाहते हो, गोर वायलेंस चाहते हो, तो शायद ये मूवी थोड़ा आपको डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि इस मूवी का मेन टॉपिक ही ज़ॉम्बी और रोमांस का है। लेकिन जो भी कहो, आप ज़ॉम्बी मूवी के अंदर कुछ नया देखना चाहते हो, तो इस वाली मूवी को कंसीडर जरूर करना। तो अगर आप इस वाली मूवी को देखना कंसीडर करने वाले हो, तो आप इसको Amazon Prime से बाय या रेंट कर सकते हो। हाई इंटेंसिटी एक्शन और सर्वाइवल इस मूवी की जान है। ब्रिटेन के अंदर फिर से एक वायरस फैल चुका है, और हर बार की तरह फिर से लोगों को इस वायरस से बचना है। ज़ॉम्बी सर्वाइवल फैन के लिए 2007 में आई हुई 28 वीक्स लेटर मूवी एक ड्रीम के समान है। इस मूवी के अंदर ज़ॉम्बी आपको एकदम फास्ट देखने को मिलने वाला है, और एक्शन के मामले में ये मूवी आपको 100% सेटिस्फाई करेगी। सर्वाइवल का असली फील मिलता है इसके अंदर, और टेंशन हर मूवमेंट पर बढ़ता ही रहता है। कहानी का प्लॉट थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है, और इमोशनल डेप्थ थोड़ी सी मिसिंग लगती है, लेकिन ओवरऑल ये एक बढ़िया मूवी है। तो अगर आप इस वाली मूवी को देखना कंसीडर करने वाला हो, तो आप इसको Amazon Prime से बाय या रेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, टॉप 5 मूवीज जानने से पहले अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपके रिकमेंडेशन पर अगला वीडियो बना सकूं। अपना हीरो एक नॉर्मल सी सिंपल लाइफ जी रहा होता है, उसी बीच शहर के अंदर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स स्टार्ट हो जाता है। अब वो डरने की बजाय ये डिसाइड करता है कि क्यों ना मेरी बकेट लिस्ट को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको ही है। तो वो है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बीच में अपना बकेट लिस्ट को पूरा करने की ट्राई करता है, और इस बीच हमको काफी ज्यादा एक्शन और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई ज़ॉम्बी मूवी का नाम है ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। ये मूवी कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट मिक्सचर है, जो आपको एंड तक सीन से बांधे रखेगा। तो अगर आप ज़ॉम्बी मूवीज के अंदर कुछ नया देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। मूवी कुछ जगहों पर थोड़ा अनकंसिस्टेंट परफॉर्म करती दिख सकती है। एक सीन के अंदर आप कॉमेडी देखते हो, तो डायरेक्ट दूसरे सीन के अंदर आप ट्रेजेडी देखने को मिलने वाली है, मतलब थोड़ा सा इनबैलेंस रह जाता है, लेकिन ओवरऑल ये मूवी परफेक्ट है। तो अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो, तो गो फॉर इट। अगर आप इस वाली मूवी को देखना कंसीडर करने वाले हो, तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। एक यंग लड़का अपने फ्लैट में बैठकर गेम खेल रहा है, उसको बाहर शहर के अंदर क्या हो रहा है कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन शहर के अंदर हो चुका है ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक। ये लड़का लिटरली देखता है कि उसके सामने लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं, और उसके अपार्टमेंट के अंदर भी कुछ ज़ॉम्बीज आ गए हैं। अब अपना हीरोइन सिचुएशन से कैसे सर्वाइव करता है, यही इस मूवी की कहानी है। सिंपल कहानी, लेकिन फुल ऑन थ्रिल से भरी हुई इस मूवी का नाम है #Alive, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3। मूवी का जो टेंशन वाला माहौल है, वो धीरे धीरे मूवी के साथ अप होता जाता है, और हमें एक इंटेंस सर्वाइवल देखने को मिलता है, जो आपको इस मूवी से बांधे रखेगा। तो आप इस वाली मूवी को एक ट्राई डेफिनेटली दे सकते हो। तो अगर आप इस वाली मूवी को देखना कंसीडर करने वाले हो, तो अच्छी हिंदी डबिंग के साथ आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। एक यंग लड़का नाज़ी ज़ॉम्बीज के खिलाफ फाइट कर रहा है, और उसके पास अपनी पूरी ज़ॉम्बी आर्मी भी है। इस फिल्म के अंदर में दो ज़ॉम्बी आर्मी के बीच की लड़ाई देखने को मिलती है। ज़ॉम्बी मूवीज के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आज तक नहीं देखा था। एक्शन और कॉमेडी का सॉलिड कॉम्बिनेशन है ये मूवी, और ब्रूटल और वायलेंस लवर के लिए तो ये मूवी अमृत समान है। 2024 में आई हुई मूवी डेड स्नो 2 रेड विसेस डेड, स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स जाने के बाद ये पूरी मूवी अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले लेती है आपको एंटरटेनमेंट करने की। कभी कभी थोड़ा ओवर द टॉप लग सकता है, तो सीरियसनेस ढूंढने वाले लोगों के लिए मूवी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप फ्रेश अनटच टॉपिक वाली ज़ॉम्बी मूवीज देखना पसंद करते हो, तो ये मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अगर आप इस मूवी को देखना कंसीडर करने वाले हो, तो इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ऑस्ट्रेलिया के पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में ज़ॉम्बीज एक बायोलॉजिकल वेपन बन गया है। स्टोरी एक सर्वाइवर के राउंड घूमती रहती है जो अपने लिए एक नई दुनिया बना रहा है। एक्शन और ब्रूटालिटी के गजब कॉम्बिनेशन से बनी इस मूवी का नाम है रेमरूट पार्ट 2। एक्शन का इंटेंसिटी लेवल मैक्सिमम पर है। मैडमैक्स स्टाइल एक्शन और ज़ॉम्बीज दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। स्टोरी थोड़ा फास्ट पेस है, कभी कभी आपको समझने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल इस मूवी के दोनों पार्ट काफी बढ़िया है। अगर आप इस वाली मूवी को देखना कंसिडर करने वाले हो तो इसका दूसरा पार्ट आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, और पहला पार्ट देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक कपल अपनी सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, और अब उस हॉस्पिटल में हो चुका है ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक। अब सारे लोग उस हॉस्पिटल के अंदर कैद है और उस हॉस्पिटल में घुस गए ज़ॉम्बीज, और फिर होती है ये मूवी शुरू। 2019 में आई हुई यमी मूवी डार्क कॉमेडी लवर्स के लिए परफेक्ट है। स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इस तरह से किया गया है कि आप 1.5 घंटे की ये मूवी कब देख लोगे पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपको कोई ज़ॉम्बी मूवी देखनी है और अच्छा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो आप ये वाली मूवी को जरूर कंसीडर कर सकते हो, ये आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगी। तो अगर आप इस वाली मूवी को देखना कंसीडर करने वाले हो तो इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय।